नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर विजय ठूल के आदेश कुशल पर्यवेक्षण में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध तथा चोरी का मुकदमा के अनावरण हेतु चलाए जा रहे अभियान। श्रम मनोज कुमार श्री थाना अध्यक्ष मोहना को सूचना मिली है कि यूसुफ चौराहे पर स्थित कबाड़ की दुकान के पीछे मोटरसाइकिल पुआल से ढक कर रखी गई है तथा पिकोरा चौराहे रोड के पास कबाड़ी का गोदाम में मोटरसाइकिल रखी हुई है जो संभवत चोरी की है। इस सूचना पर विश्वास कर थाना अध्यक्ष हमरा में स्वाट टीम के साथ यूसुफपुर कबाड़ की दुकान पर पहुंचकर कबाड़ की दुकान पर बैठा व्यक्ति के नाम पता पूछा गया तो अपना सुनील गुप्ता पुत्र दिनेश गुप्ता सकिन बर्डपुर थाना मोहाना जनपद सिद्धार्थनगर बताया। चोरी की गाड़ियां खरीदने वाली कबाड़ी गिरफ्तार। पुलिस और स्वाट टीम की छापेमारी में चोरी की 3 बाइक व 6 बाइकों की इंजन व चेसिस बरामद। मोहाना थाना क्षेत्र के यूसुफपुर व पिकोरा रोड स्थित गोदाम में हुई बरामदगी। गिरफ्तार दुकानदार बर्डपुर का है निवासी। मुकदमा दर्ज कर की गई है कानूनी कार्रवाई। पेश है सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। ये थाना मोहाना में कल दिनांक 1 जनवरी को एक मोटरसाइकिल चोरी की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना मोहाना पे अभियोग पंजीकृत किया गया था और रिलायबल सोर्सेज से हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली कि उस क्षेत्र में एक कबाड़ी की दुकान के माध्यम से उस मोटरसाइकिल को डिस्पोज ऑफ करने का प्रयास किया जाएगा। उस पर जब हमारे द्वारा सूचना पे यकीन करते हुए उसकी दुकान को चेक किया गया तो वहाँ से हमारे को वो मोटरसाइकिल जो चोरी हुई थी वो बरामद हुई। उसके अतिरिक्त 2 और मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं और 5 मोटरसाइकिल के इंजन मिले हैं जो अपना मोटरसाइकिल सेलेक्ट किए हुए थे। इसके अतिरिक्त 1 इंजन चेसिस और 1 अलग से चेसिस ये सब वहां से बरामद हुए हैं। इन सब के बारे में जो कबाड़ी है सुनील गुप्ता वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और ना ही वो पेपर ट्रेल प्रोड्यूस कर पाए जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि ये सब मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स उन्होंने किस व्यक्ति से खरीदे हैं। उन सब की डिटेल्स प्राप्त करके उन सबको उनके जो ओनर हैं राइटफुल ओनर हैं उनसे कनेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और इनसे पूछताछ में और भी कई सारी लाभप्रद सूचनाएं हम लोगों को मिली है जिसके आधार पर आगे जो इसका कनेक्टिंग लिंक है उन सब के बारे में भी जानकारी की।